क्या आपने यहाँ पर देखा? दोस्तों आज से 10 साल पहले आप भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो प्लेटफॉर्म पे जाते थे किस तरह की परिस्थिति होती थी आपको पता है। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पिछले 6-7 सालों में पूरे देश भर के रेलवे स्टेशन पे सफाई बहुत बढ़ी है। इसी तरह से आज प्रयागराज जंक्शन के इस पवित्र स्टेशन पे भी सफाई देख के अच्छा लगा। पैसेंजर की एमिनिटीज़ में बहुत सुधार आया है। अब एक मेजर रीडेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। प्रयागराज स्टेशन को एक मेजर रीडेवलपमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ही हमारी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ पर कुंभ मेले के समय में जिस संख्या में दर्शनार्थी और पैसेंजर्स आते हैं उस संख्या के हिसाब से एक नई सोच के साथ नया रीडेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। क्या इसको कोई लुक भी दिया जाएगा किसी तरह का? इसमें धार्मिक स्थल भी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं विरासत भी विकास भी है, तो विरासत और विकास को जोड़ के सब काम होगा। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि किस तरह से कोरोना काल में जो छूट थी बुजुर्गों के लिए ट्रेनों में यात्रा के लिए वो अभी तक बहाल नहीं की गई, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर? देखिए आज भी रेलवे का टिकट 53% यानी समझिए आधा सब्सिडी पे है। रेलवे का टिकट आधा सब्सिडी पे है यानी अगर 100 रुपये लगना चाहिए उसकी जगह 50 रुपये है। तो आप ये भी देखिए कि किस तरह की परिस्थितियों से रेलवे को आगे बढ़ना है। रेलवे में 18 लाख पेंशनर्स हैं, 18 लाख लोगों की पेंशन यानी 55,000 करोड़ तो रेलवे का पेंशन का खर्चा है। रेलवे के 12 लाख एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी का खर्चा है। हर साल स्टेशन हो हर तरह की यात्री की सुविधाओं को बढ़ाने का है। तो हमें सब चीज़ों को देख के सारे फैसले लेने पड़े। ओमिक्रॉन जिस तरह बता रहे हैं ओमिक्रॉन सर प्रयागराज डिवीजन में घोटाला हुआ है, देखिए हम सबको सारी सावधानियां बरतते रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने कहा बेसिक एमिनिटीज तमाम बढ़ी हैं लेकिन यहाँ पर मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री है और मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री अभी शुरू नहीं हो पाई है। देखिए कोरोना से पहले कोरोना के समय में जो चेंजेस लाए गए थे जो बदलाव लाए गए थे उसमें से एक एक करके बहुत सारी चीज़ें चालू हो गई है। मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री भी चालू करने वाले थे लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन का थ्रेट आया है तो सावधानी से सारे फैसले लेने पड़ेंगे। जिम्मेदारी का काम है, कहीं ऐसा ना हो कि केवल रेलवे में यात्रा के कारण कोई बड़ी देश में समस्या आ जाए।